आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज सबसे तेज सटीक खबर। राष्ट्रीय सेवक संघ और भारत सेवा ट्रस्ट के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में संघ के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रक्तदान कर महादान किया। सेवक संघ का जो कार्यालय है इसमें भारत सेवा ट्रस्ट इसको संचालित करता है। भारत सेवा ट्रस्ट ये अपने आप में पूरे साल कोई ना कोई गतिविधि करता रहता है समाज के लाभ के लिए। उसमें जैसे उनका कोचिंग है, सिलाई केंद्र है, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की क्रियाएं पूरे साल भर चलती रहती है। लेकिन कोरोना काल में इस समय पर वो तो लगभग बंद है, तो इस समय पर समाज की आवश्यकता है कि रक्त देकर के किसी दूसरे के जीवन की रक्षा हो जाए। इसलिए ये समिति शाखाओं के माध्यम से पूरे नगर के स्वयंसेवक, केवल लक्ष्मीनगर नगर के स्वयंसेवक, इन्होंने अपनाए रक्तदान करके और एक अपनी तरह से एक सामाजिक दायित्व को पूरा करने का प्रयास किया है कि हमारे तो कितने यूनिट आपने लक्ष्य रखा, कितने यूनिट अब तक आ चुके हैं? 100 का रजिस्ट्रेशन हुआ है और लगभग 100 के लगभग हमारी यूनिट में कम्प्लीट हो चुकी है। 2 बजे तक ही कार्यक्रम चल रहा है। किस तरह संदेश देना चाहते हैं आप? समाज का लाभ जो है वो जिस प्रकार से भी हो सके अपना संघ, चूंकि समाज के हर क्षेत्र में जहाँ कम वहाँ हम इस भावना को लेकर के काम करता है। तो सबसे लोग की आवश्यकता जैसी लगती है, धन की आवश्यकता है तो धन करने के लिए तैयार है, सेवा की आवश्यकता है सेवा करने के लिए तैयार है। जैसे कि पूरे लॉकडाउन के समय पर अपने संघ के सदस्यों ने और पूरे शहर के अंदर जहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो जैसे परिवार के लिए संपन्न है लेकिन भोजन बनाने वाला कोई नहीं, तो सदस्यों ने अपना भोजन वितरण करने का काम वहाँ पर किया। इस प्रकार से पूरा अपना एक जो लक्ष्य है समाज सेवा को पूरा करना। Thank you.